बांदा में आज यादव महासभा के लगभग दो दर्जन पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यादव महासभा के पदाधिकारियों ने मांग करी कि मृतक पुष्पेन यादव के हत्यारों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। मृतक पुष्पेन यादव के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मृतक की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिलवाया जाए। दोषी थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान को बर्खास्त किया जाए। जनपद झांसी के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया जाए। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए तथा अक्षम सरकार को बर्खास्त किया जाए। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष द्वारिकेश सिंह यादव मंडेला जी ने कहा कि झांसी के पुष्पेन सिंह यादव की थाना अध्यक्ष द्वारा हत्या करने की घटना पर दोषी थाना अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग करने के लिए और उसके परिवारजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग करने के लिए आज हमने राज्यपाल को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जो झांसी में पुष्पेन यादव की हत्या पुलिस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने की है, उसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मैं अखिल भारतीय यादव महासभा जिले का अध्यक्ष भी हूँ और इस नाते जो है जो ये पूरे प्रदेश में इस समय जंगल राज गुंडाराज चल रहा है, जिसको जहाँ पकड़ मार दिया जाता है, और उसी के विरोध में हम लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया हो, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और उसको 10 लाख रुपया मुआवजा मिले। पूरे परिवार की सुरक्षा, किसी भी समय और भी घटना हो सकती है, जैसे कि आज उसके भाई का स्थानांतरण कर दिया गया है। इस तरह से जो घटनाएं हो रही है रुके, और हम चाहते हैं राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि जो सरकार है जंगल आज चल रहा है, लूट डकैती हत्या चल रही है, ये सरकार बर्खास्त की जाए।